गुड इवनिंग फ्रेंड्स, पाठशाला डिफेंस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपका जीएस की क्लास में स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो आपको टॉपिक पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक आपका क्या है। आज का टॉपिक है कि भारत में जो आपके खनिज संसाधन पाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। जो हमारे खनिज संसाधन है उनके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो खनिज संसाधन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में ज़्यादातर जो खनिज आपके पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं और कैसे पाए जाते हैं और किन तत्वों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से तत्व हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं, उनमें सबसे पहले अगर आज हम चर्चा करेंगे तो आपके जो चट्टानों आप लोगों ने पढ़ी होगी या अभी जो आपकी आगे क्लास आएगी उनमें मैं पढ़ाऊंगा चट्टानों के बारे में। तो इन चट्टानों में आपकी तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक आपकी होती है अग्नि चट्टान, दूसरी आपकी होती है परतदार चट्टान, ठीक है। इसे कहा जाता है अवसादी चट्टान, ठीक है, अवसादी चट्टान, ठीक है। ये आपकी तीन टाइप की होती है, दो हो गई, और एक आपकी तीसरी होती है जिसे कहा जाता है आपका रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ठीक है। ये तीन प्रकार की चट्टानें आपकी पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी अग्नि चट्टान, परतदार चट्टान और आपकी जो है रूपांतरित चट्टान। ये तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं और इन तीन प्रकार की चट्टानों में ही आपके सारे जो खनिज होते हैं वो उपस्थित होते हैं। अब उनमें खनिजों में आपका कौन कौन सा उपस्थित होता है, कहाँ पर होता है, इसकी आप पहचान कैसे करेंगे या ये आप याद कैसे रखेंगे कि इस चट्टान से हमारा ये खनिज जो है प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी अग्नि चट्टान की। अग्नि चट्टान आपकी ऐसी चट्टान है जो आपका जितने भी आपके कार्बन रहित, मतलब जिनमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है या कह सकते हो जीवाश्म की उपस्थिति नहीं होती है, वो जितनी चट्टानें आपकी होती हैं वो सारी चट्टानें आपकी अग्नि चट्टान कहलाती हैं या वो चट्टान आपकी अग्नि चट्टान कहलाती है। तो जितने भी खनिज तत्व हैं जिन खनिज तत्वों में आपके जो है कार्बन की उपस्थिति या जीवाश्म की उपस्थिति नहीं होती है उन्हें कहा जाता है आपका अग्नि चट्टान, ठीक है। दूसरा आपका आता है अवसादी या परतदार चट्टान। ये ऐसी चट्टानें होती हैं जिनमें आपके नीचे जमीन के जीवाश्म जो है आपका होता है, तो जीवाश्म जो नीचे दब जाता है उससे जो आपकी चट्टानें बनती हैं या जिनमें जिन चट्टानों में कार्बन की उपस्थिति होती है उन चट्टानों को आपका अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान कहते हैं। उसके बाद में तीसरी चट्टान आपकी आती है जिन्हें कहा जाता है रूपांतरित चट्टान या कायंत्रित चट्टान। अब ये रूपांतरित चट्टान या कायंत्रित चट्टान होती क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे पृथ्वी के जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ता जाता है और जब तापमान बढ़ता जाता है तो ये जो अग्नि चट्टान है और ये जो परतदार चट्टान है ये दोनों अपना रूप क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं और एक नए प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। इस नए प्रकार के बने चट्टान को कहा जाता है आपका रूपांतरित चट्टान। तो भारत में आपके इन तीनों चट्टानों से हमारे जो है खनिज प्राप्त हुए हैं और भारत एक खनिज बाहुल्य जो है आपका देश माना गया है, ठीक है। तो ये तीन चट्टान आप थोड़ा सा अभी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम जब चट्टानों का पढ़ाएंगे तो आपको एक विस्तृत रूप से इसको बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये तीन चट्टानें आप मोटे मोटे तौर पर याद रखिएगा कि अग्नि चट्टान ऐसी चट्टान है जिनमें आपके जीवाश्म उपस्थित नहीं होते हैं, परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान वो चट्टान है जिनमें आपके जीवाश्म उपस्थित होते हैं, और रूपांतरित चट्टान वो चट्टान है जो आपके अग्नि और अवसादी चट्टानों के रूप में अंतर हो जाने के कारण आपका निर्मित हुआ है वो आपके रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये तीन पॉइंट याद रखिएगा। चले अब हम बात करते हैं भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जो है आपके खनिज तत्वों के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि पहला मेरा मैप आपका सामने आया है, आप थोड़ा मैप पे मैप में थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके बाद आगे हम लोग जो है चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपकी बात करते हैं कि भारत में जो आपकी धातुएं पाई जाती हैं या जो आपके पदार्थ पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं या किन किन चट्टानों से। तो देखिए पहला आपका है धात्विक खनिज, दूसरा आपका है अधात्विक खनिज, ठीक है। तो धात्विक खनिज की बात करें तो वो आपकी किससे निकली है, धात्विक खनिज जो आपका है, धात्विक खनिज आपका जो है अग्नि चट्टान से प्राप्त हुई है,
ठीक है। अब इस धात्विक खनिज में जितनी भी आपकी धातुएं हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो आपका कह सकते हो कि क्रोमियम हो, क्रोमियम हो, ठीक है, आपका चांदी हो, तांबा हो, कांसा हो, ये सारी जो चट्टानें आपकी आती हैं वो किसके अंदर, सोना हो आपका, जितना भी धातुएं हैं वो सारी किससे प्राप्त होती हैं, अग्नि चट्टान से प्राप्त होती हैं। उसके बाद में आपका आता है अधात्विक, अधात्विक खनिज, ठीक है। तो इस अधात्विक खनिज की बात करें तो ये जो अधात्विक खनिज आपका प्राप्त होता है ये आपका परतदार चट्टान से प्राप्त होता है, परतदार चट्टान से प्राप्त होता है, ठीक है। अब इस अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन से आते हैं, जैसे कोयला, ठीक है, हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर, ठीक है ना, जिप्सम, एबस्टास, ठीक है, ये जितने भी आपके आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, अधात्विक के अंतर्गत आते हैं। जितना भी आपका पेट्रोलियम पदार्थ है वो सारा किसके अंतर्गत आता है, अधात्विक के अंतर्गत आता है। और वो कहां पर पाया जाता है, आपका परतदार चट्टान यानी कि अवसादी चट्टानों पे। जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ ज्यादातर जो हमें प्राप्त होता है वो समुद्र के किनारों से प्राप्त होता है। उसका रीजन ये है कि जितने भी जीवाश्म आपके हैं, जो जीव हैं, वो समुद्र के नीचे जाकर के क्या हो गए हैं, कई सारे ऐसे जीवाश्म जो आपके दफन हो गए हैं, उनकी वजह से जहां पर आपका जो है पेट्रोलियम पदार्थ जो आपका बना है वो सारा आपका जो है इस अधात्विक चट्टान यानी परतदार चट्टान के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, धात्विक चट्टानें जितनी भी हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसा, पीतल, ये सारी चीजें आपकी किसमें आती हैं, अग्नि चट्टान धात्विक के अंतर्गत आती हैं। और जितनी भी आपकी अधात्विक चट्टानें हैं, जैसे आपका हीरा हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, आपका चूना पत्थर हो गया, वो सारी चीजें आपकी जो है किसके अंतर्गत आती हैं, वो आपकी परतदार चट्टान के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम और आगे चर्चा करेंगे। तो आगे जो आपकी पहली धातु है वो आपकी आती है हीरा, ठीक है, हीरा, हीरा यानी कि डायमंड, ठीक है, हीरा। सबसे पहली बात, ये सबसे कठोर पदार्थ है, कठोर, कठोर धातु है। कौन सी धातु है आपकी, भारत विश्व की सबसे कठोर धातु जो आपकी है वो कौन सी है, आपकी हीरा है। क्यों सबसे कठोर धातु है, क्योंकि ये जो है आपकी कार्बन की समचतुष्फली होती है, समचतुष्फली, ठीक है, कार्बन की समचतुष्फली होती है, जिसके कारण यानी इसका जो आकार होता है वो आपके चारों ओर से जो है बराबर होता है, कार्बन की उसमें प्राप्त होता है आपका, तो कार्बन की समचतुष्फली होती है आपकी हीरा, इसीलिए आपकी दुनिया की सबसे कठोर धातु मानी जाती है, ठीक है। इसकी तीसरी अगर हम विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता इसकी है कि चमक, इसकी जो चमक होती है वो चमक होती है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन के कारण, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। तो हीरे की चार पांच विशेषताएं आप याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, हीरा सबसे कठोर धातु है, ठीक है, कार्बन की समचतुष्फली श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है, तीसरी इसकी जो चमक होती है वो किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसकी जो होती है वो सबसे ज्यादा चमक पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत में इसका उत्पादन कहां पर किया जाता है, ठीक है, भारत में इसका जो उत्पादन किया जाता है वो कहां पर सबसे ज्यादा आपका किया जाता है, ठीक है। तो भारत में इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो एमपी में किया जाता है, एमपी में, आपका जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है, और मध्य प्रदेश के दो जिले हैं जहां पर इनका उत्पादन सबसे अधिक होता है, एक आपका जिला है पन्ना और दूसरा इस जिला है आपका सतना, ठीक है, ये दो जिले हैं आपके सतना जिला और पन्ना जिला, जहां पर एमपी में आपके दोनों जिले हैं पन्ना और सतना जिला, जहां पर आपका जो है इस हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर जो उत्पादन में आपका आता है, ये दोनों जिले आपके जो है, ये दोनों जिले आपके जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो आप ये कह सकती हो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो है हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन किस पर्वत श्रेणी में होता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आपका होता है, ठीक है। कौन से दो जिले हैं आपके, एमपी के आपके पन्ना और सतना जिले हैं जहां पर आपका इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी
पन्ना और सतना जिला कहां पर है आपके? उत्तर एमपी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहां पर है आपके? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब इसी हीरे के साथ में आपने एक और हीरे का नाम सुना होगा, और ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध हीरा है, आपने नाम जरूर सुना होगा, कोहनूर हीरा। कोहनूर हीरा, ठीक है, कोहनूर हीरा, ठीक है। ये विश्व का सबसे चमकीला हीरा माना गया है, कोहनूर हीरा आपका विश्व का सबसे चमकीला हीरा माना गया है, ठीक है। कोहनूर हीरा, कोहनूर हीरा विश्व का सबसे चमकीला हीरा माना गया है, और ये आपके जो है आंध्र प्रदेश की गोंडवाना, गोंडवाना की खान से निकला था, गोंडवाना की खान से निकला था, ठीक है। ये पॉइंट आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि आपका हीरा कोहनूर हीरा है जो सबसे चमकीला हीरा आपका है, और ये आपकी जो है गोंडवाना की खान से प्राप्त हुआ था, ठीक है, गोंडवाना की खान से प्राप्त हुआ था, ठीक। इसका जो अगर हम ऐतिहासिक बात करें या इतिहास की बात करें, तो इतिहास में इस कोहनूर हीरे का नाम था सबसे पहले, जिसका नाम दिया गया था मरणांतक मणि, मरणांतक मणि, ठीक है। ये इस कोहनूर हीरे का आपका कह सकते हो हिंदी का शुद्ध नाम है, मरणांतक मणि, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसे कोहनूर हीरे का आपका जो है, आपके हमारे यहां एक विदेशी आक्रमणकारी आए थे, ठीक है, जिन्होंने इसका नाम बदल करके आपका कोहनूर हीरा रख दिया था, ठीक है। उसके बाद में हीरे का सबसे बड़ी मंडी जो आपकी है वो मुंबई में स्थित है, जहां पर हीरों की पॉलिशिंग का काम किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके हीरे से संबंधित है, ठीक। अगले हम बात करेंगे चूना पत्थर की, चूना पत्थर, ठीक है। तो चूना पत्थर आपका जो है दूसरी धातु है आपकी, चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर आपकी जो है दूसरी धातु है, और इसका जो है उत्पादन आपका जो सबसे ज्यादा किया जाता है वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, और आपका मध्य प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। कहां कहां पर है आपका? आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, और तीसरा आपका राजस्थान, ठीक है। ये आपकी जो है तीन जगह है जहां पर आपका जो है चूने का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आंध्र प्रदेश, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य है जहां पर आपके इस चूने पत्थर का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर हमारा क्या होता है, आगे मैंने बताया भी आपको रूपांतरित या कायंत्रित चट्टान, तो कायंत्रित चट्टान में आपका चूना पत्थर जो है आपका बदल जाता है संगमरमर में, किसमें बदल जाता है? संगमरमर में बदल जाता है। ये चूना पत्थर आपका जब रूपांतरित रूप होता है तो किसमें बदल जाता है? संगमरमर में, और संगमरमर में आपका जो है कहां से उत्पादन होता है सबसे ज्यादा? वो सबसे ज्यादा उत्पादित होता है आपका राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में जो है आपका सबसे ज्यादा जो है संगमरमर का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। या सबसे बड़ी खान जो आपकी है वो राजस्थान में है, जिसका नाम है मकराना की खान, ठीक है। राजस्थान की जो संगमरमर की जो सबसे बड़ी खान है वो आपकी, उसका नाम है आपका मकराना, ठीक है। और ताजमहल आप सभी लोग घूमने गए हुए हैं, ठीक है, ताजमहल में जो संगमरमर का पत्थर लगा है वो इस मकराना की खान से ही शाहजहां को प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ताजमहल में जो संगमरमर लगा हुआ है वो आपके जो है मकराना की खान से ही निकला हुआ संगमरमर वहां पर लगा हुआ है, ठीक है। तो चूना पत्थर तीन राज्यों में सबसे इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद में आपका एमपी, मध्य प्रदेश, और तीसरा आपका राजस्थान। चूना पत्थर जो आपका है वो कायंत्रित चट्टान के रूप में जब बदलता है तो बदल जाता है किसमें? संगमरमर में बदल जाता है। संगमरमर का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान में होता है। राजस्थान में जो खान है उसका नाम है इसका मकराना की खान, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं आपकी अभ्रक यानी कि मीका की, माइका, ठीक है। तो अभ्रक उत्पादन में भारत का जो है आपका पहला स्थान है,
अभ्रक उत्पादन में भारत पहली रैंक पर है, पहले नंबर पर आपका आता है जहां पर इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है आपका उत्पादन में पिगमाइट, पिगमाइट जो है आपका जो इसका ही एक अपर रूप है आपका पिगमाइट, ठीक है, पिगमाइट जो है जिसमें भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन आपका जो किया जाता है वो इस पिगमाइट नामक जो है अभ्रक का सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। और इसी में आपका जो है जो झारखंड जिला है आपका, झारखंड राज्य, ठीक है ना, झारखंड राज्य, यहां से इस अभ्रक का 50% उत्पादन किया जाता है, ठीक है। झारखंड में 50% आपका जो है इस अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अभ्रक का जो 50% है वो कहां से उत्पादन किया जाता है, वो आपके झारखंड से किया जाता है। इसके अलावा इस अभ्रक का उत्पादन हमारे जो है राजस्थान में होता है, राजस्थान में किया जाता है, उसके बाद आपका जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। तो तीन जिले हैं इंपॉर्टेंट, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसमें 50% केवल उत्पादन कहां से किया जाता है, आपके जो है झारखंड से किया जाता है। और मीका कौन सा है आपका, पिगमाइट, ठीक है, इसका उत्पादन आपका किया जाता है, ठीक है। अभी बात आती है कि अभ्रक का प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं, अभ्रक का प्रयोग हम करते हैं जितने भी इलेक्ट्रिक के सामान आपके बनाए जाते हैं, बिजली के जितने भी सामान आपके बनाए जाते हैं, उन सभी में आपका जो है इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं हम जिप्सम की, ठीक है। अगला जो नाम आता है आपका वो नाम आता है आपका जिप्सम, ठीक है। और जिप्सम आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रासायनिक नाम इसका पूछ लेते हैं, केमिस्ट्री में इसका फॉर्मूला पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा CaSO4.2H2O, ठीक है, CaSO4.2H2O, ठीक है। तो ये जिप्सम का हमारा आपका केमिस्ट्री में फॉर्मूला है जो आप एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तो आप लोग इस पर भी थोड़ा सा नजर रखिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है आपका किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि जिप्सम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है आपके कठोर चीजों को, आपके जो है कह सकते हो एक तरह से सीमेंट उद्योग में, क्योंकि जिप्सम में जैसे ही हम पानी मिलाते हैं वो आपकी जमनी शुरू हो जाती है, क्या होती है, जमनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग किसमें करते हैं, आपके जो है सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है वो आपके कहां पर किया जाता है, राजस्थान में, कहां पर किया जाता है, राजस्थान में। राजस्थान में एक जिला है जिसे कहा हनुमानगढ़, जहां से आपका जो है सबसे ज्यादा जिप्सम का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा, इसके अलावा आपका जो है जिप्सम उत्पादन किया जाता है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में एक जिला है जिसका नाम है आपका सतना जिला, जहां से आपका जो है इस जिप्सम का प्रयोग करके सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग करके आपका जो है सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आप लोग, मैप आपको दिख रहा होगा, तो इस मैप में मैंने सारी जानकारी वैसे लिख दी है, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट का उत्पादन जो किया जाता है वो आपके उड़ीसा में किया जाता है, ठीक। उसके बाद में एवेस्टास की बात करें आपके, सॉरी नमक की बात करें आपका, तो जो आपका 60% नमक है, 60% जो आपका नमक है वो हमें गुजरात से प्राप्त होता है, और शेष जो आपका है वो हमें राजस्थान से प्राप्त होता है, ठीक है। तो गुजरात में आपका जो है समुद्री नमक होता है जो आपका प्राप्त होता है, कहां से, गुजरात से प्राप्त होता है, ठीक है। गुजरात से आपका जो है 60% नमक आपका जो है प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा जो 10% नमक है हमारे, वो हमारे कहां से निकलता है, राजस्थान में जो आपकी नदियां बनी हुई हैं, ठीक है, जैसे मैं नदियां हैं आपकी, लूनी नदी हो गई आपकी, सांभर झील हो गई आपकी, ठीक है ना, पंचवाड़ा झील हो गई आपकी, जो है पंचभद्रा झील हो गई, इन सभी झीलों से आपका जो है ये नमक प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो है 3-4 धातुओं के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको हीरा के बारे में बताया, हीरा भारत में कहां पर उत्पादित होता है, वो आपका मध्य प्रदेश में होता है।
उसके बाद में आपका जो है बात करें चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर आपका जो है आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और एमपी में किया जाता है। अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका कहां पर किया जाता है, वो आपका झारखंड राज्य में किया जाता है। ठीक है, जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से किया जाता है, वो आपका जो है राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला, जहां से आपका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, डोलोमाइट आपका उड़ीसा से निकलता है। नमक आपका जो है सबसे ज्यादा नमक कहां से प्राप्त होता है, समुद्र आपका जो है गुजरात से प्राप्त होता है, समुद्री नमक जिसे कहा जाता है, और उसके अलावा जो है आपका राजस्थान में जो है प्राप्त किया जाता है। तो ये आपके कुछ अधात्विक तत्व हैं, आपके अधात्विक जो है आपके जो परतों से आपका क्या किए जाते हैं, आपके प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आगे हम बात करेंगे तो कुछ हमारे धात्विक तत्वों में आपका बात आता है। तो धात्विक तत्वों में जो आपका सबसे पहले आता है वो हम लोहे के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो लोहा आपका जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है जिसका प्रयोग हम लोग जो है आपका जो है करते हैं। ठीक है, और ये जो धात्विक तत्व है, जैसा कि मैंने बताया लोहा हमारा क्या है, धात्विक तत्व है, धात्विक तत्व है आपका, या धात्विक आपका जो है तत्व है, तो इसका जो है आपका जो है ये जो सबसे ज्यादा प्राप्त किया जाता है वो कहां से प्राप्त किया जाता है, वो प्राप्त किया जाता है अग्नि चट्टान से। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने आपको ऊपर ही लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, धात्विक तत्व, धात्विक खनिज कहां से प्राप्त होते हैं, वो अग्नि चट्टान से होते हैं, और अधात्विक खनिज कहां से होते हैं, परतदार चट्टान से। तो यहां पर जितने भी मैंने अभी आपको हीरा, चूना पत्थर, जिप्सम इन सब के बारे में बताया, वो सारी परतदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अब अगर हम धात्विक बात करें तो धात्विक में आपकी जो है सबसे पहले बात आती है किसकी, सबसे पहले बात आती है आपके लोहा की। ठीक है, लोहा या कह सकते हो लौह अयस्क, लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क ये आपका जो है नाम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लौह अयस्क के बारे में आपका क्या डिटेल है। ठीक है, तो भारत में जो लौह अयस्क है, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी तत्व आपके या जितने भी खनिज आपके प्राप्त होते हैं वो सभी आपके जो है एक ऑक्साइड के रूप में, ऑर्स के रूप में प्राप्त होते हैं। ऑर्स या ऑक्साइड होता क्या है आपका, ऑक्साइड आपके वो तत्व होते हैं जिनमें बहुत सारी चीजें, चूंकि जब जमीन के नीचे से निकलते हैं तो बहुत सारी मिट्टियां उसमें क्या होती हैं, एकत्र होती हैं, बहुत सारी मिट्टी होती है, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो उसके अंदर आपके क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब उन्हीं चीजों को जब हम साफ सफाई करके, कहीं हम वात्या भट्टी का प्रयोग करते हैं, कहीं हम बफर भट्टी का प्रयोग करते हैं, कई सारी भट्टियों का प्रयोग करने के बाद हमें जो शुद्ध धातु प्राप्त होती है उसे कहा जाता है तत्व। ठीक है, बाकी जो आपका बहुत सारे वेस्टेज के साथ में जब युक्त होता है तो उसे कहा जाता है आपका ऑर्स या ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे हम बात करते हैं लौह अयस्क के बारे में, लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क, ठीक, अभी सॉरी लौह अयस्क, अभी इस लौह अयस्क में आपका जो लोहा है उसके चार अयस्क आपके हैं। ठीक है, चार अयस्क आपके पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहले आपका आता है मैग्नेटाइट, फिर आपका आता है हेमेटाइट, फिर आता है आपका लियोसाइट, और फिर आपका आता है सेरोसाइट। ठीक है, सेरोसाइट, ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले आपका आता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, फिर उसके बाद में आपका आता है हेमेटाइट, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आता है लियोसाइट, 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 और फिर आपका आता है सेरोसाइट। ठीक है, ये चार प्रकार का आपका जो है लौह अयस्क जो है हमें अयस्क के रूप में, यानी ऑर्स के रूप में हमें क्या होता है आपका प्राप्त होता है। ठीक है, अब उसमें जो आपका मैग्नेटाइट है वो सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा माना जाता है, सबसे जो अच्छी क्वालिटी का लोहा माना जाता है वो आपका जो है मैग्नेटाइट होता है। उसके बाद में दूसरा आपका है हेमेटाइट, और इस हेमेटाइट का भारत में जो उत्पादन किया जाता है वो भारत में आपका जो है 80% उत्पादन जो है आपका इस हेमेटाइट का हमारे भारत में किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में हमारे लियोसाइट और सोरोसाइट ऐसे दो लोहे हैं आपके लौह अयस्क है, जो आपके इन दोनों आपके जो है लौह अयस्कों के साथ में हमें क्या होता है प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इन्हीं के साथ में मिक्स होते हैं, ये आपके जो है सबसे निम्न कोटि के लोहे होते हैं। ठीक है, लोहा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट लोहा है आपका मैग्नेटाइट है, जो सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा होता है, और उसके बाद में दूसरा आपका होता है हेमेटाइट, जिसका उत्पादन भारत कितना करता है, 80% उत्पादन जो है भारत में इसका आपका हेमेटाइट का लोहे का किया जाता है। ठीक है, पूरे विश्व की अगर हम बात करें
तो लौह उत्पादन में विश्व में भारत आपका चौथे नंबर पर आता है। पूरे विश्व में लोहे उत्पादन में भारत जो है आपका चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। उनमें सबसे पहले नंबर पर आपका आता है चीन, सबसे पहले नंबर पर आपका जो आता है वो आता है चीन, फिर दूसरे नंबर पर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर आपका आता है ब्राजील, ब्राजील, ठीक है, और चौथे नंबर पर हमारा आता है भारत, ठीक है, भारत चौथे नंबर पर हमारा कौन सा आता है, वो आपका आता है भारत। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे कम उत्पादन आपका जो लोहे का या ना के बराबर जो उत्पादन होता है लोहे का वो जापान में होता है, लेकिन सबसे अच्छा या कह सकते हो आपका सबसे अच्छा जो आपका लोहे के सामान बनाने का स्टेनलेस स्टील उत्पादन में जो आपका नाम आता है वो नाम आपका किसका आता है, जापान का आता है। यानी उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर जितने भी विदेशों से लोहे को क्या करते हैं, खरीदते हैं, भारत मतलब अदर देशों से लोहे को खरीदते हैं और उनका मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको जो है पूरे विश्व में बेचने का काम करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लोहे के सामान जो आपके बनते हैं वो जापान में बनते हैं, और सबसे कम लोहा जो उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, जापान में आपका किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चार देश हैं, इन चार देशों में भारत आपका जो है चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपका कि भारत जो है आपका जो है सबसे ज्यादा जो लोहे का उत्पादन करता है, 80% उत्पादन जो आपका आता है वो आपका जो है आपके हेमेटाइट का आता है, ठीक है। अब इसमें नक्शे में मैंने कुछ शो किया हुआ है, तो जहां पर ग्रीन रंग का है, ग्रीन कलर का, वहां से हम लोग जो है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट लोहे का उत्पादन करते हैं, ठीक है। और जहां पर डॉट जो है आपका रेड कलर का है, रेड रंग का है या रेड कलर का है, वहां पर हम लोग जो है हेमेटाइट लोहे का उत्पादन करते हैं, ठीक है। मैप में मैंने शो कर रखा है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए उसको, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। जहां ग्रीन कलर है वहां पर मैग्नेटाइट का उत्पादन है, जहां पर रेड कलर है वहां पर आपके जो है हेमेटाइट लोहे का उत्पादन है, ठीक है। नक्शे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ग्रीन कलर मैंने आपको दिखा रहा है उसमें गोवा के बारे में है, कुंदेनमुख के बारे में है, कोझिकोड है, कोझिकोड है आपका, ठीक है। उसके बाद में सलेम है, ये चार ऐसे स्थान है जहां से हमें जो है आपके मैग्नेटाइट लोहे का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में सिंहभूमि जिला है आपका, मयूरभंज जिला है आपका, ठीक है, क्योंझर जिला है आपका, दुर्ग जिला है आपका, दंतेवाड़ा जिला है जहां पे आपका इसका उत्पादन किया जाता है। फिर इधर हम आ जाए साउथ की तरफ आ जाए तो वेल्लारी है आपका, उसके बाद में आपका जो है रत्नागिरी है, ये ऐसे स्थान है आपके जहां से हमें हेमेटाइट लोहे का प्राप्त किया जाता है या हेमेटाइट लोहा आपका प्राप्त होता है, ठीक है। अब नीचे एक चीज आप लोग देख लीजिए, ये हमारे दक्षिण भारत का हिस्सा है, ठीक है, दक्षिण भारत का आपका हिस्सा है, ठीक। इसमें आपका जो है यहां पर आपका स्थित है गोवा, जो आपका ग्रीन है गोवा, जहां से आपका जो है मैग्नेटाइट लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, आपका गोवा राज्य से, गोवा राज्य, ठीक है। उसके बाद में आपका कर्नाटक में पड़ता है आपका कुनेन्द्रमुख, कुनेन्द्रमुख, जहां से आपका जो है कर्नाटक, कर्नाटक जहां से आपका जो है मैग्नेटाइट लोहा प्राप्त किया जाता है कुनेन्द्रमुख से। फिर उसके बाद में आगे हम बात करें केरल में आपका पड़ता है, केरल में आपका जो है कोझिकोड, कोझिकोड यहां केरल में आपका है कोझिकोड, कोझिकोड, ठीक है, केरल, ठीक। और इधर आपका पड़ता है सलेम, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, यहां पर आपका जो है। तो ये चार स्थान है, कोझिकोड केरल में है, सलेम तमिलनाडु में है, कर्नाटक में आपका कुनेन्द्रमुख है, और गोवा में आपका जो है प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये चार स्थान ऐसे हैं जहां से हमें जो है मैग्नेटाइट लोहा प्राप्त होता है, कहां से, चार जगहों से हमें मैग्नेटाइट लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। दूसरी खास बात अब याद रखिएगा कि कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोहे का भंडारण है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन आपका किया जाता है वो आपका उड़ीसा से किया जाता है।
भंडारण सबसे ज्यादा कहां पर है, कर्नाटक में है, और उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, वो आपके उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करें तो ये हमारे ग्रीन वाले हो गए, जहां से हमें मैग्नेटाइट लोहा प्राप्त होता है, जहां से हमें मैग्नेटाइट लोहा प्राप्त होता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं रेड वालों के बारे में। ठीक है, ठीक है, जहां से हमें हेमेटाइट लोहा प्राप्त होगा। ठीक है, जहां से हमें हेमेटाइट लोहा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये भारत की नीचे की स्थिति है आपकी। ठीक है, यहां पर आपका जो है दो जिले बनाए मैंने। ठीक है, दो जिले बनाए हैं, इसे कहा जाता है आपका बराम ज्यादा। ठीक है, बराम ज्यादा में क्या है आपका जो है, ये दो राज्यों में है, एक ऊपर आपका पड़ता है झारखंड, झारखंड। ठीक है, और नीचे आपका पड़ता है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। ठीक, तो ये बराम ज्यादा आपका एक ऐसा छोटा नागपुर का क्षेत्र आपका आता है, जहां से आपका जो है सबसे ज्यादा लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। दो जगहों पर बटा हुआ है, एक आपका है उड़ीसा में, ठीक है, दूसरा आपका है झारखंड में। ठीक है, तो उड़ीसा में इसे कहा जाता है क्योंझर, ठीक है, क्योंझर जिला, और झारखंड में इसे कहा जाता है सिंह भूमि। ठीक है, उड़ीसा में इसे कहा जाता है आपका क्योंझर जिला, और आपका जो है झारखंड में इसे कहा जाता है सिंह भूमि, और इन दोनों को मिलाकर के इसे नाम दिया गया है आपका बराम ज्यादा। ठीक है, बराम ज्यादा। ठीक है, तो बराम ज्यादा समूह है जो दो राज्यों में फैला हुआ है, जहां से आपका सबसे ज्यादा लोहे का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है बराम ज्यादा से। ठीक है, अब इस बराम ज्यादा के अंतर्गत दो जिले आपके आते हैं, पहला जिला सिंहभूमि है जो आपके झारखंड में आता है, दूसरा जिला आपका है उड़ीसा, जहां पर आपका क्योंझर जिला है, जो आपका वहां से आपका सबसे ज्यादा लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो आपका लोहे का उत्पादन है आपका, अगर हम भंडारण की बात करें तो भंडारण में आपके जो है तीन जिले आते हैं जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन राज्य हैं जिनमें आपका सबसे पहले नंबर पर आता है आपका कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आपका आता है उड़ीसा, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आपका आता है झारखंड, ठीक, तो ये तीन जिले हैं जहां पर आपका जो है सबसे ज्यादा जो है आपके लोहे का भंडारण है। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करें कि उत्पादन के मामले में आपका क्या है या सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर आता है, तो बस ये तीन जिले, दो जिले आपके परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो आपका होता है उड़ीसा में, और आपका दूसरे नंबर पर आपका आता है कर्नाटक। ठीक है, ठीक, तो इस जिले में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है आपका, उत्पादन होता है। उत्पादन अगर जो सबसे ज्यादा होता है तो उड़ीसा में होता है, कर्नाटक में होता है और झारखंड में होता है। और भंडारण की बात करें तो ये इसको उल्टा कर दीजिए, ये दो नंबर पे हो जाएगा, ये एक नंबर पे, ये तीन नंबर पे। ठीक है, ठीक, भंडारण आपका जो है सबसे ज्यादा जो होगा, वो कर्नाटक का होगा, उसके बाद में आपका जो है उड़ीसा होगा, और फिर आपका झारखंड होगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम जरा लाल डॉट्स पे थोड़ा सा फोकस कर ले, तो इसके बाद में आपका जो है सबसे ज्यादा जो दूसरे नंबर पे उत्पादन में होता है वो छत्तीसगढ़ में है आपका, दुर्ग जिला पड़ता है जहां इसका उत्पादन किया जाता है। तीसरा आपका आता है छत्तीसगढ़ में ही दंतेवाड़ा, जहां से आपका जो है हेमेटाइट लोहे का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, जहां पर आपका जो है हेमेटाइट लोहे का उत्पादन किया जाता है। फिर आपका तीसरे नंबर पर बेल्लारी आता है कर्नाटक में, जहां पर आपका इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉट्स हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे पहले अधात्विक तत्वों के बारे में चर्चा की, और अब यहां पर मैं धात्विक के बारे में चर्चा की, जिसमें धात्विक में जो मैंने आपको सबसे पहले जो धातु के बारे में बताया वो आपका जो है लौह अयस्क आता है। ठीक है, अब उसके बाद में अगली क्लास जब हम चलेंगे तो अगली क्लास में हम लोग जो है तांबा, बक्सा, तांबा, जस्ता और अन्य धातुओं के बारे में आपकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में,
नए टॉपिक के साथ में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अन्य धातुओं के बारे में, फिर उसके बाद में जो आपके जो क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में, अगले क्लास में अच्छे उत्साह के साथ में आपको मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, ख्याल रखिए आप लोग अपना।